ऑमलेट करी बनाने के लिए प्याज लहसुन को बारीक पीस लें। पिसा धनिया, नमक, हल्दी ले लें। दो अंडों का ऑमलेट तैयार करके एक साइड रख दें। कढ़ाई में सरसों का ऑयल अच्छे से गरम करके उसमें छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी डालकर पीसी प्याज को और दूसरे मसाले पानी के साथ अच्छे से भून लें। अच्छे से भून जाने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर ग्रेवी तैयार करके कुक कर ले। तवे पर घी गरम करके ऑमलेट बना लें। जब एक साइड से अच्छे से सिक जाए तो उसका रोल बनाते जाएं। पूरे ऑमलेट का रोल तैयार कर लें। ये देखिए हमारे ऑमलेट का पूरा रोल तैयार हो गया है। अब इसे नाइफ की मदद से छोटे पीसों में कट कर लें। जब सारे पीसेस कट जाएं, ये देखिए हमारे सारे पीसेस कट गए। अब इसे तैयार ग्रेवी में सारे डाल दें। डालने के बाद एक दो मिनट के लिए कुक कर लें। लीजिए तैयार है हमारा ऑमलेट करी। अब इसे गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें।